नमस्कार, आप जुड़े छो जी 24 कलाक फटाफट खबरों साथे हूं छु निधि। शुरुआत करिए समाचार ने जोइए फटाफट अंदाज में। अमदावाद में प्रथम सौथी लांबा एलिवेटेड ओवरब्रिज नु लोकार्पण, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ना हस्ते 4.18 किलोमीटर लांबा 16 एलिवेटेड ओवरब्रिज नु लोकार्पण। ब्रिज खुल्लो मुकाता नी साथे सरखेज थी गांधीनगर जवा माटे वाहन चालकों ने मात्र 25 मिनिट नो समय लागशे। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज बोटाद बरवाड़ा में कुंडल स्वामीनारायण मंदिर की मुलाकात लेशे। स्वामीनारायण मंदिर में सत्संग शिविर नो उद्घाटन। गृहमंत्री अमित शाह ने बॉलीवुड ना जानीता गायक दिलेर मेहदी रहेशे हाजर। बोटाद कार्यक्रम दरमियान गृहमंत्री अमित शाह स्वामीनारायण मंदिर सत्संग 30मी शिविर की शुरूआत करावशे। कुंडल धाम में 36 फूट ऊंची भक्तेश्वर महादेव की मूर्ति की स्थापना थशे। आ खास प्रसंगे सामाजिक संस्थाओं सम्मान कर दान आपवामां आवशे। आजथी कच्छना सफेद रण में रणोत्सव की शुरूआत। आजथी शुरू थयेल रणोत्सव 20मी फेब्रुआरी सुधी चालशे। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल 3 नवम्बरे लेशे कच्छ की मुलाकात। 10 सीटी सहित रणोत्सव विधिवत रीते खुल्लो मूके तेवी संभावना। आज 31 मार्च 2022 सुधी देश कांग्रेस सभ्यों की नोंधणी झूंबेश हाथ धराशे। अमित चावड़ा प्रदेश प्रमुख प्रदेश नेता थी लेने कार्यकरो बूथ लेवल पर घरे घरे जशे। सभ्य बनवा 5 रूपया की फी आपवी पड़शे। पांचमी नवम्बर थी हजीरा दीव वच्चे क्रूज सर्विस शुरू थशे। कोरोना केस वधता एप्रिल थी बंद कराई थी सर्विस। क्रूज सर्विस में रेस्टोरेंट कसिनो नाइट क्लब अने होटल जेवी सुविधा हशे। पेट्रोल डीजल ना भाव वधता क्रूज सेवा पण मोंघी थई। देश में आज पण पेट्रोल डीजल ना भाव में वधारो थयो छे। पेट्रोल डीजल ना भाव में 35-35 पैसा नो वधारो थयो। दिल्ली में पेट्रोल नो भाव 110 नजीक पहुंच्यो छे, ज्यारे मुंबई में पेट्रोल नो भाव 115 रूपया ने पार थयो। दिवाळी ना तहेवार पहला सतत वधता ईंधण ना भाव थी लोको मां रोष। दिवाळी समय होटल रेस्टोरेंट में जमवानुं पड़ी शके छे मोंघुं, कारण के कॉमर्शियल गैस सिलिंडर भाव में वधारो थयो। कॉमर्शियल सिलिंडर भाव में 266 रूपया वधारो झींकायो। 19 किलो सिलिंडर भाव 2050 थयो छे, जे अगाउ 1734 हतो। घरेलू सिलिंडर भाव में कोई वधारो नथी करवामां आव्यो। वडोदरा की अमित यूनिवर्सिटी पूर्व सेनेट सभ्य नाम सेनेट की मतदार याद में गायब। सोशियल वर्क फैकल्टी पूर्व सेनेट सभ्य दीपक शाह नाम गायब। सेनेट की रजिस्टर्ड ग्रेज्युएट कैटेगरी की 14 बैठक में डिसेम्बर में योजना चूंटी। कोरोना काल में दर्दियों ने लूटवा अंगे वडोदरा में तपास। स्टर्लिंग एकाउंट विभाग और स्टाफ निवेदन लेवामां आवशे। एकाउंट विभाग और स्टाफ निवेदन माटे नोटिस इश्यू करी। डॉक्टर सोनिया दलाले फरियाद नोंधाव्या बाद तपास तेज। हॉस्पिटल थी मेळवेला दस्तावेजों की पुलिस तपास। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में विद्यार्थिनी यौन शोषण मामले आंतरिक फरियाद समिति की बैठक मळशे। पीड़ित विद्यार्थिनी फरियाद मामले समिति समक्ष आवशे के नहीं ते एक सवाल। विद्यार्थिनीए कुलपति ने यौन शोषण की फरियाद लेखित में करी हती रजू। वडोदरा एसएसजी हॉस्पिटल में बाळक बदलाई गया फरियाद नोंधाता आज बाळकनो डीएनए टेस्ट करवामां आवशे। शुभानपुरा विस्तार में रहती महिला ने पुत्र जन्म्या की माहिती आप्या बाद पुत्री जन्मी होवानुं जणावायुं। परिवारे डीएनए टेस्ट बाद बाळकने स्वीकारवानी तैयारी दर्शावी। 15 ऑगस्ट 2022 में आजादी 75મું वर्ष हशे ते समय अमदावाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पूर्ण करवानो ध्येय। गुजरात मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कोर्पोरेशन साबरमती खाते ओडब्ल्यूजी ने कामगीरी पूर्ण करवाना प्रयत्नों शुरू कर्या। गुजरात खाड़ाओ देश में चौथा क्रमे जीवलेण। वधु एकज वर्ष में खाड़ाओए 88 नागरिकों की जिंदगी भरखी। गुजरात में खाड़ाओं में पड़वा 78 पुरुष और 10 महिलाओं मौत थया। राज्य में छेल्ला 4 वर्ष में 322 लोगों खाड़ा में पड़ी जता जीव खोयो। कोरोना में खेत मजूरों और खेडूतों की आत्महत्या प्रमाण वध्यु। एनसीआरबी रिपोर्ट में गुजरात चौंकावनारा आंकड़ा सामे आव्या छे। वर्ष 2020 में 126 खेत मजूरों और खेडूतोए आत्महत्या करी जीवन टूंकाव्यू। वर्ष 2020 में देशभर में 10,677 लोगों आपघात कर्यो। आज से दिवाळी पावन पर्व की शुरूआत। आज वाघबारस और आज दिवसे वाणी की देवी सरस्वती की कराए छे पूजा। आज से दिवाळी त्यौहारों की शुरूआत। अंबाजी मंदिर में श्रद्धालुओं धसारो। नवा वर्षे मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या वधे तेवी शक्यता। नवा वर्षे माताजी ने धरावाशे अन्नकूट।
બહારથી આવતા લોકોનું રાજકોટમાં કોરોના ટેસ્ટિંગ કોરોનાની સ્થિતિ બેકાબુ ન બને તે માટે બસ સ્ટેન્ડ એરપોર્ટ અને રેલવે સ્ટેશન પાસે કોરોના ટેસ્ટિંગની કામગીરી તહેવારમાં કોરોનાના કેસ વધે નહીં તે માટે તંત્ર સતર્ક છે કોરોનાનો ટેસ્ટ નેગેટિવ આવે તો જ મુસાફરોને પ્રવેશ મળશે સુરત એસટી વિભાગે એક્સ્ટ્રા બસ દોડાવી દિવાળીના પર્વે વતન જવા માટે ઉમટતી લોકોની ભીડને જોતા સૌરાષ્ટ્ર દાહોદ ગોધરા રૂટ પર એક્સ્ટ્રા બસ મૂકવાનું આયોજન ગ્રુપ બુકિંગ કરાવનારને ઘરે લેવા આવશે એસટી બસ એસટી વિભાગે અત્યાર સુધી 197 બસો દોડાવી 27 લાખની આવક મેળવી દિવાળીના તહેવારને ધ્યાને રાખી એસટી વિભાગે વધારાની 45 બસો શરૂ કરી છે તહેવારોમાં મુસાફરોની વધુ અવરજવરને ધ્યાનમાં રાખીને વધારાની બસો દોડાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે દિવાળી વેકેશન દરમિયાન બસના તમામ રૂટ પર 405 બસો દોડશે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને મહેસૂલ મંત્રી રાજેન્દ્ર ત્રિવેદીએ નાયબ મામલતદારોને આપી દિવાળીની ભેટ 118 નાયબ મામલતદારોને બઢતી આપી મામલતદાર તરીકે નિમણૂક 13 મામલતદારોને ડેપ્યુટી કલેક્ટર તરીકે બઢતી સાથે નિમણૂક પોરબંદર જિલ્લા કલેક્ટરે દિવાળી પર્વ પર કરી અનોખી પહેલ દિવાળી પર્વે આવતી કોઈ પણ રોકડ ભેટ કે ચીજ વસ્તુ નહીં સ્વીકારવાનો કર્યો નિર્ણય આ નિર્ણયનો સંદેશ આપતા કચેરીમાં બેનર પણ લગાવવામાં આવ્યા દિવાળીના પર્વની ઉજવણીને લઈને હિંમતનગરના ઉમિયા માતાજીનું મંદિર રોશનીથી શણગારવામાં આવ્યું છે જિલ્લાભરના મંદિરો તથા સરકારી કચેરીઓ પણ રોશનીથી સજાવાઈ છે વડોદરાના બજારોમાં દિવાળીના તહેવારોની રોનક જોવા મળી છે પોલો ગ્રાઉન્ડ ફટાકડા બજારમાં ખરીદી માટે ગ્રાહકો ઉમટ્યા ફટાકડા બજારમાં નવનવી વેરાયટી આવતા ગ્રાહકોમાં ખુશી ગત વર્ષે કોરોનાને પગલે વેપાર ધંધા બંધ હતા ત્યારે આ વર્ષે સારી કમાણીની વેપારીઓમાં આશા રાજકોટના બજારોમાં દિવાળીની રોનક જામી છે શહેરના સ્તાગણવા ચોક લાખાજીરાજ ચોક સોની બજાર અને પેલેસ રોડ સહિતના માર્કેટમાં ગ્રાહકો ઉમટ્યા કપડાં ઇલેક્ટ્રિક સાધનો જ્વેલરી અને ઘર સજાવટની વસ્તુઓની ભારે ડિમાન્ડ ઉત્તરપ્રદેશના અયોધ્યામાં દીપોત્સવને પગલે તડામાર તૈયારીઓ અયોધ્યામાં રસ્તાઓ તેમજ મંદિરના ગેટ્સને ભગવાન રામ અને હનુમાનના ચિત્ર અને આકારની રંગબેરંગી લાઇટ્સથી સજાવવામાં આવી છે દીપોત્સવને પગલે લેઝર લાઇટ્સને પણ લગાવવામાં આવી ઉત્તરપ્રદેશના પ્રયાગરાજમાં દિવાળીને પગલે લક્ષ્મી પૂજામાં શુભ ગણાતી ખાદ્ય રમકડાની મીઠાઈની માંગ વધી ખાદ્ય રમકડાને ખિલોને કહેવામાં આવે છે આ વાનગી બનાવતા વેપારીઓનું કહેવું છે કે આ મીઠાઈનું વેચાણ નવરાત્રીમાં શરૂ કરવામાં આવે છે જો કે દિવાળીમાં તેની માંગ ખૂબ વધી જાય છે ઉત્તરપ્રદેશના પ્રયાગરાજમાં ઇકો ફ્રેન્ડલી દિવાળીને પગલે મહિલાઓએ રેતી પર દીવા અને રંગબેરંગી રંગોળી બનાવી જાગૃતિ ફેલાવી રંગોળી બનાવનાર મહિલાઓએ જણાવ્યું કે આ રોશનીનો તહેવાર છે તેથી તેને શાંતિ અને સદભાવ સાથે ઉજવીએ છીએ ફટાકડા ફોડીને નહીં તમિલનાડુના કોઇમ્બતુરમાં કોરોનાને કારણે મીઠાઈના ધંધા પર પડી છે અસર વિક્રેતાઓએ જણાવ્યું છે કે કાચા માલના ભાવમાં વધારો થતાં મીઠાઈના ભાવ વધ્યા છે કોરોનાને કારણે કારીગરો પણ પોતાના વતન જતા અસર થઈ જો કે વિક્રેતાઓને આશા છે કે દિવાળીમાં મીઠાઈની માંગ વધશે દિલ્હીમાં કોરોનાના કેસમાં ઘટાડો થતાં 19 મહિના બાદ સ્કૂલો ફરી શરૂ કરવામાં આવી છે 50% કેપેસિટી સાથે સ્કૂલો શરૂ કરવામાં આવી છે વિદ્યાર્થીઓ તેમજ સ્કૂલ સ્ટાફે કોરોનાની ગાઈડલાઈનનું સંપૂર્ણ પાલન કરવું પડશે દિલ્હીમાં આ વર્ષે ડેન્ગ્યુના કેસમાં ભારે વધારો થયો છે ડેન્ગ્યુને કારણે લથડતી સ્થિતિને જોતા કેન્દ્ર આ મામલે હસ્તક્ષેપ કરશે કેન્દ્ર સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય ના મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ આજે દિલ્હીમાં આ મુદ્દે મહત્વની બેઠક કરશે જેમાં હાલની ડેન્ગ્યુની સ્થિતિ અંગે વિસ્તારપૂર્વક ચર્ચા કરવામાં આવશે પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી મનમોહનસિંહ થયા સ્વસ્થ તબિયત નાદુરસ્ત થતા એઇમ્સમાં દાખલ થયા હતા તબિયતના સુધારો આવતા હોસ્પિટલમાં મળી રજા ઉત્તરપ્રદેશના કાનપુરમાં કોરોના વાયરસ બાદ ડેન્ગ્યુ અને હવે ઝીકા વાયરસનો પગ પેસારો કોરોનાની સારવાર લઈ રહેલા 3 દર્દીઓમાં ઝીકા વાયરસની પુષ્ટિ થઈ છે શહેરમાં ઝીકા વાયરસના કુલ 4 કેસ નોંધાતા આરોગ્ય તંત્ર ચિંતિત T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતીય ટીમની ન્યુઝીલેન્ડ સામે પણ હાર થઈ છે ભારતીય ટીમના કેપ્ટન વિરાટ કોહલીએ હારનું ઠીકરું બેટ્સમેનો પર ફોડ્યું સાથે જણાવ્યું કે બેટ્સમેનોએ બહાદુરી સાથે બેટિંગ ન કરી મહત્વનું છે કે તમામ સ્ટાર બેટ્સમેનોના ખરાબ ફોર્મના કારણે ભારત માત્ર 110 રન બનાવી શક્યું આઈસીસી T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતીય ટીમના ખરાબ પ્રદર્શનને કારણે પાકિસ્તાન અને ન્યુઝીલેન્ડ સામે મેચ હારી બંને મેચ હારી જતા સેમીફાઇનલમાં ભારતનો પ્રવેશ મુશ્કેલ બન્યો અફઘાનિસ્તાન ન્યુઝીલેન્ડની ટીમને હરાવે તો જ ભારતને સેમીફાઇનલમાં પ્રવેશ મળવાની આશા ઇટલીમાં રોમમાં
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अलग अलग देश राष्ट्राध्यक्षों साथ करी बैठक। स्पेन, जर्मनी और इंडोनेशिया राष्ट्रपति साथ बैठक में अनेक मुद्दा पर थी चर्चा। स्कॉटलैंड ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भव्य स्वागत। स्कॉटलैंड में वसता भारतीय मोदी है भारत का गहना ना नारा साथ स्वागत कर। पीएम मोदी अं कॉप 26 कॉन्फरेंस में 26मा सत्र में भाग लेवा मुलाकाते पहुंचा है। महत्व है कि पीएम मोदी 5 दिवस यूरोप की मुलाकाते। जापान में ट्रेन में एक बैट्समैन फिल्म जोकर जेवी पोशाक पहरेला शख्से लोगों पर चाकू वड़े हमला कर्यो। हमला में 17 लोग इजाग्रस्त थया छे। मळती माहिती अनुसार ट्रेन में सवार मोटा भागना लोको हालोविन फेस्टिवल की उजवणी में शामिल थवा जई रह्या हता। पोलीसे 24 वर्षीय हमलाखोर की धरपकड़ करी छे। आतंकी संगठन आईएसआईएस के दुनियाभर में शरिया कायदो लागू करने की इच्छा। संगठने चेतावनी आपी है कि कोई इस्लाम सामे जशे तो तेने आईएसआईएस के सामनो करवो पड़शे। आतंकी संगठन पहलो टार्गेट पाकिस्तान है, कारण कि अफगानिस्तान में जयरे तालिबान शासन हतु त्यारे पाकिस्तान कहतु हतु देश 80% भाग पर राज छे। काठमांडू जनारा भारतीय नागरिकों ने प्रवेश पर नेपाल सरकारे कड़क नियमों लागू करवा निर्णय लीधो छे। अत्यार सुधी कोई पण रोकटोक वगर नेपाल में प्रवेश करता भारतीय हवे ओळखपत्र दर्शाववू पड़शे। नेपाल की सुरक्षा माटे खतरो पैदा न थाय ते माटे आ नियम लागू करायो। भारत में कोरोना केसों की संख्या में घटाड़ो। एक दिवस में कोरोना 12514 नवा केस नोंधाया छे। एक दिवस में कोरोना से मृत्यु 251 लोगों थया। एक दिवस में 8.81 लाख की वधारे कोरोना टेस्ट थया। अत्यार सुधी में कोरोना टेस्टिंग की कुल संख्या 60.92 करोड़ पर पहुंची छे। भारत में कोरोना सामे रिकवर थे दर्दियों की संख्या 3.36 करोड़ ने पार। एक दिवस में कोरोना सामे 12718 लोग रिकवर थया छे। देश में रिकवरी रेट 98.19% पहुंचो, जयरे अत्यार सुधी में कुल 106 करोड़ 31 लाख लोग वैक्सीनेशन थे। एक्टिव केस की संख्या 1.58 लाख। भारत में कोरोना केस 3.42 करोड़ ने पार थया। अत्यार सुधी में कोरोना की देश में 4.58 लाख दर्द जीव गुमाव्य है। अत्यार सुधी में कुल 3.36 करोड़ दर्द स्वस्थ थया। विश्व में कोरोना कुल केसों की संख्या 24.74 करोड़ ने पार। अत्यार सुधी में 50,14,000 दर्द मृत्यु थे। अत्यार सुधी में 22.41 करोड़ दर्द कोरोना सामे स्वस्थ थया। कांग्रेस ने एक थवानी ताती जरूर छे। 25 वर्ष थी गुजरात में कांग्रेस सत्ता थी दूर छे। अमदावाद में आयोजित गुजरात कांग्रेस कार्यक्रम में कांग्रेस प्रभारी रघु शर्माए आप्यु निवेदन। कांग्रेस नेता भरतसिंह सोलंकी राहुल ने प्रधानमंत्री बनावाना भरखा। सरदार जयंती पर भरतसिंह कहूं राहुल गांधी प्रधानमंत्री होत तो काश्मीर में शांति होत। अमदावाद में आयोजित कार्यक्रम में आप्यू मोटू निवेदन। सूरत ना पास कन्वीनर अल्पेश कथिरियाए करी सगाई। भाजपा महिला नेता काव्या लुंगारिया साथ सगाई करी छे। काव्या लुंगारिया कंसाड नगरपालिका प्रमुख रही चुक्या छे। सहकार मंत्री अमित शाह ने अमूल 75मा वर्ष उजवणी में आपी हाजरी। कहूं अमूले खूब परिवर्तन कर, प्लांट में आधुनिकीकरण करू। पूंछना एक गाम में हूँ चा पीवा रोकायो त्यारे एक नानकड़ी दीकरीए पूछ्यु कि अमूल की छाश पीशू के चा। अमूल अमृत महोत्सव में केन्द्रीय सहकार मंत्रीए कहूं कि सरहदी गाम में अमूल की छाश पहुंची है जाने आनंद थो। अमूले सरदार पटेल स्वप्न साकार कर। केन्द्रीय सहकार मंत्री अमित शाह दूध उत्पादक संघों साथ योजी बैठक। सहकार विभाग की कामगिरी अंगे चर्चा। आगामी दिवसों में फेडरेशन माध्यम थी लोगों सुधी पहुंचवानी चर्चा। केन्द्रीय सहकार मंत्री की बैठक अंगे सहकार आगेवान शंकर चौधरी निवेदन। कहूं अमूल की नवी दिशा केव रीते थाय अंगे सूचन कर। शाकभाजी और दूध वैश्विक मार्केट अंगे बैठक में थी चर्चा। आणंद में अमूल 75 वर्ष ने उजवणी कार्यक्रम में सीएमए आपी हाजरी। कहूं गुजरात ने दूध सहकार की चळवळ सरदार साहेब ने आभारी। अमूल फक्त श्वेत क्रांति ज नहीं परंतु सशक्तिकरण उदाहरण। 36 लाख दूध उत्पादकों पैकी 11 लाख महिला दूध उत्पादकों। आणंद में केन्द्रीय मंत्री परषोत्तम रूपालाए कहूं अमित भाई प्रथम सहकार मंत्री बनया एक गौरव की बात है। अपना डीएनए में सहकार है। कलम 370 पोता हाथ से भूंसी ए एमनी राजकीय इच्छा शक्ति छे। अमूल चेयरमैन रामसिंह परमारे कहूं अत्यारे खेड़ा आणंद में 1200 दूध मंडळीओ छे। रोजनु 33 लाख लीटर दूध आवे छे। कोरोना काल में अमूल एक दिवस पण बंद रह्यु नथी। 53 करोड़ टर्नओवर छे। लोकोने अमूल पर विश्वास छे कि कोई भेड़सेड़ नहीं थाय।
सूरत में सेल्फी लेवाना चक्कर में युवान डूब्यो। सूरत ना स्वामी विवेकानंद ब्रिज पर आ घटना है जहां सेल्फी लेवा जता युवान डूब्यो। युवान ने शोधवा माटे पार अने पुलिस की टीमें शोधखोळ शुरू करी। सूरत में सरथाणा पुलिस मथक पीएसआई जेवलिया ने 1500 दंड फटकारवामां आव्यो। कार ना काळा ग्लास अने रॉन्ग साइड पर पार्किंग नो दंड करायो। एडवोकेट मेहुल बोगराए करी हती फरियाद। घटना नो फेसबुक पर लाइव वीडियो बनाव्यो। वडोदरा उंडेरा तळाव में मोटा प्रमाण में माछली मृत्यु पामी है। समग्र विस्तार में दुर्गंध फैलाई। तळाव में केमिकल छोड़ायो होवानो स्थानिकों नो आक्षेप। जमीन में खाड़ो खोदी मृत माछलीओनो निकाल करवामां आव्यो। कच्छना भचाउ तालुकाना नेर गाममां थयेला हुमला वधु 10 आरोपीओ झड़पाया छे। अगाउ 5 आरोपीओने झड़पी पाडवामां आव्या हता। कुल 15 आरोपीओ झड़पाया छे। मंदिरमां प्रवेश अंगे मारवामां आव्यो हतो मार। अमदावादमां असलाली पोलीसे विसलपुर गामनी सीममांथी 378 पेटी दारूनो जत्थो जप्त कर्यो छे। 4 आरोपीओनी धरपकड़ कराई छे। 6 आरोपीओ वोन्टेड। राजकोट जिल्लाना उपलेटा में मामलतदारे पुरवठानो माल झड़पियो छे। शहरना भवानीनगर विस्तार में जाहेर रोड पर आयसर मेटाडोर माथी यूटिलिटी वाहन में पुरवठाना माल नी हेराफेरी थई हती। कुल 5,09,200 नो मुद्दा माल जप्त करवामां आव्यो। नवसारी उभराट दरिया में 2 ईसमोना डूबवाथी मृत्यु थया छे। सूरतथी उभराट बैंक ऑफ महाराष्ट्रना 4 कर्मीओ फरवा माटे पहोंच्या हता। जे पैकी 2 बैंक कर्मी तरता न आवडतुं होवाथी डूब्या। बन्ने युवानोना मृतदेहने बहार काढवामां आव्या छे। मरोली पोलीसे अकस्माते गुनो नोंधी तपास हाथ धरी छे। महेसाणा भाजप पक्षी पंच मोर्चाना प्रमुख श्यामभाई देसाईनो अनोखो प्रयास। विविध स्पर्धात्मक परीक्षाओनी तैयारीमांथी 3 शहेरोमां क्लास शुरू करवामां आव्या छे। महेसाणा वडनगर अने कड़ीमां विद्यार्थीओ विनामूल्ये परीक्षानी तैयारी करी शकशे। पाटणना धारासभ्य किरीट पटेलनी ग्रांटमांथी आरोग्यलक्षी साधनों पूरा पाडवामां आव्या छे। 10 लाखथी वधुनो खर्च एम्ब्युलन्स अने आरोग्यलक्षी साधनों पूरा पाडवामां आव्या। अमदावादना असारवा विधानसभा मतक्षेत्र में राशन किट वितरण कार्यक्रम योजायो। कार्यक्रम में असारवा धारासभ्य और गुजरात सरकार कैबिनेट मंत्री प्रदीप परमार, भाजपा प्रदेश महामंत्री प्रदीपसिंह वाघेला हाजर रहा। अमेरिका कैलिफोर्निया में आयोजित कीर्तिदान गढ़वी लोक डायरा में थयो डॉलरों वरसाद। गुजराती लोकगीत गाता अमेरिका में वसता गुजराती तान में आवीने गरबे घूम्या।